सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं अभी तो ऑलरेडी खारघर में ही हूँ, तो यहाँ से अभी डायरेक्ट जाने IKEA। IKEA में अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी यार DIY में आया था बट उधर लाइट ही नहीं है, तो वैसे हम लोग रिटर्न आ गए। अभी देखते हैं IKEA जाके, उधर आपको बताता हूँ। अभी हम लोग शायद ग्रैंड सेंट्रल वाले DIY में जाएंगे। तो फिर चलो, अभी आपको डायरेक्ट वहाँ पे ही मिलता हूँ IKEA में, IKEA स्टोर। मतलब थोड़ा बहुत मुझे सामान लेना था, ऑलरेडी मैंने हम लोग ने बहुत कुछ लिया है उधर से, तभी मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, तभी थोड़ा छुट्टी पे था। तो अभी तीन चार कुछ छोटे मोटे सामान लेने हैं, बस उतना ही। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैंने रूम में क्या क्या लगा है IKEA से, रूम भी बताऊंगा। तो अभी आपको डायरेक्ट मैं IKEA में ही मिलता हूँ, बिकॉज अभी ट्रैफिक आज बहुत है, सैटरडे है ना, बहुत ट्रैफिक है आज। मतलब सब जगह मैं घर से निकलते ही मतलब ट्रैफिक चालू ही थी, अभी पता नहीं कितना है। एक्चुअली कल न्यूज़ वाले बोल रहे थे 2 दिन बहुत मतलब बारिश गिरने वाली है, बट अभी तो फिलहाल पूरा मतलब धूप ही निकली है। ऑरेंज अलर्ट दिया था पर आज तो धूप निकली है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। बहुत ट्रैफिक है, लोगों पूरा भरा है खारघर। हम लोग सर्विस रोड लेते हैं, सर्विस रोड से निकलते हैं। अरे चल भाई, सब लोग यहाँ वहां से गाड़ी डाल रहे, इंक्लूडिंग मी। अभी जैसे हम लोग पहुंच गए, अभी एंट्री देखते हैं। बहुत बड़ा है, क्राउड ना हो, बस सैटरडे है ना, जो क्राउड रहेगा तो मतलब प्रॉपरली देखने मिलता नहीं है सब चीज। अंकल खड़े, ये एंट्रेंस है। अभी हम लोग जाएंगे सीधा पार्किंग में। यहाँ से शायद बाय वॉक है, मतलब जो टैक्सी वगैरह में आते हैं, ऑटो वगैरह में, तो यहाँ से वो चले जा सकते हैं। यहाँ से ही लाइन चालू है पार्किंग की। तो चलो अभी अंदर ही मिलते हैं डायरेक्ट। गाड़ी पूरा प्रॉपर पार्किंग कर दिए, अभी एंट्रेंस पे देखते हैं। आपको प्रॉपर एक एक रूम बताता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं प्रॉपर, क्योंकि इधर इतना है कि पूरा दिन निकल जाए तो अभी कम है। वो एक सेटअप देखो बेडरूम का, बहुत ही अच्छा है। बेडरूम का पूरा सेटअप है, मतलब बेडरूम पूरा ही फिट है मेरे। प्रॉपर सरप्राइजिंग के साथ लगा है, मेरे को ये लेना था। अभी देखते हैं, बहुत गर्दी है, क्राउड भी है, तो भी इतना मतलब किचन तब सब जो प्रॉपर आपको प्राइस के साथ मिलेगा। छोटा सा चेयर, तो अभी एक पसंद है इन लोगों को, चेयर लेना था, अभी देखते
इसमें कलर भी इतने हैं ऑप्शन कि नीचे जाके उनके गोडाउन से लेना पड़ता है। तो अभी देखते हैं अब कौन से भी, मतलब कौन से भी चीज़ पे ये रेड वाला रहेगा ना तो आपको गोडाउन से लेना है, नहीं तो वरना जो भी रहेगा फिर सामने से लेना पड़ता है। आप आइडिया ले सकते हो, डार्क शेड में जो चाहिए। इसका प्राइस कितने वाले में आपको? 12,000 या समथिंग कुछ है लैम्प का, और कॉस्ट है ये बेबीज के लिए छोटा। आपको मैं बताता हूँ, मैंने ये हमारा ये वाला मेरे नाम ही नहीं तो हम लोग ने ये मिरर लिए घर पे जो है मेरे मास्क पे 6,000 चेयर में। मतलब यहाँ पे ना ऐसा चीज़ है कि कौन सा अच्छा है और कोई कोई मतलब कितना का। सो ये प्रॉपर, सोफा सेट है यहाँ पे पूरा। कहाँ है बेडशीट है? कुशन का छोटी साइज दिखती है ना ही। पता है ना का पता नहीं क्या, मतलब बस सोने के लिए ना, सोफा टाइप ही है ना, इतना सा सोफा। प्राइस देखो, सब मतलब इन लोग ने बना के रखा है। सोफा ही है सब, अभी हम जहाँ पे है वहाँ पे सब सोफा ही है। ये बेडरूम देख सकते हैं आप पूरा, दामी नहीं। ये वॉच कैसा लगा आपको? मस्त है ना वॉच, बारिश चालू होगा बाहर। चल बताता हूँ, ये रैक भी मतलब पूरा एक है कॉर्नर के लिए प्रॉपर। वॉच मस्त है ना, फिनिशिंग भी अच्छा है इसका। 1,000 rupees किचन का, किचन दाग होगा। किचन मॉडल से सब
दिस इज बेडरूम। पिकू एजाज बस ले ली तो अभी पूरा प्रॉपर चेयर सेक्शन है, बट चेयर इधर ना मतलब बहुत कॉस्टली है, 18-19,000 का है। मतलब कुछ कुछ है बट कुछ कुछ बहुत कॉस्टली है। बट ये मेड इन इंडिया है, इतना कॉस्टली है कि उसमें मुझे मालूम नहीं इतना भी कॉस्टली है। ये हो गया वहाँ पे एक है ये भाई, ये चेयर बग अरे कहाँ है भाई, ये चेयर देखो 13,500-13,500 रुपये का चेयर है। ये सब मतलब रैक है शोकेस टाइप। ये पूरा सब मतलब लास्ट में ये ब्लैक कलर में है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। लोवेस्ट प्राइस देखते हैं इनका क्या है, 6 रामिनी साढ़े 7,500 से लोवेस्ट प्राइस। किचन ये सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह सब है। ये बघ ही बॉटल घ्यायची ना त्यात ती एलईडी टाकायची, कितीची आहे ती बघ 200 ना घे, ती नाही ही चांगली दिसते, हिच्यात ती एलईडी टाकून ठेवली ना मस्त दिसेल, ठेवू ना कुठं तरी घे, छोटीच घे, मोठी घेतली तरी चालेल, मोठी बरी पडेल। सो हम लोग ये चेयर है ना ती दामिनी, ही आपण म्हणतो ती व्हाईट मध्ये बघितलेली ना ती आहे, हे इथे बघ इथे घे फोटो काढून घे, हीच आहे हीच आहे हीच आहे ना, पण ही कुशन वाढून थोडी व्हाइट वाली हाँ कलर थे हाँ, मतलब तो हम लोग को ये चेयर पसंद आई थी, ये एक्वा ब्लू ना, एक्वा ब्लू का ग्रीन है, ग्रीन एक्वा ग्रीनिश टाइप में, तो हम लोग देखते हैं कौन सा चल जो अच्छा वाला वही देखते हैं। ये किचन का मॉडल्स वगैरह है, हाँ टर्किश टर्किश वो नाम बहुत रहते हैं यार। किसी को चेयर चाहिए क्योंकि ना ये बहुत मस्त लग रही है चेयर, बट कॉस्ट 23,000 यहाँ पे भी छोटी है। चल तिकडे चेक करते का चेयर आहे का, इकडे इकडे डियर ये मला वाटतं शेल्फ्सच आहे फक्त प्रॉपर। शेल्फ्सच आहे फक्त ना, हे अलग मतलब वॉल पे रैक देखा है, लास्ट चांस टू बाय है का बट कलर सर कंप्लीट प्राइस है। इकडनं एंट्री बंद केली वाटतं,
सो ये पूरा प्रॉपर टीवी यूनिट है, यूनिट के नीचे लगाने का। मतलब इनका खाली दिखने के लिए अच्छा है बट इतना कुछ मजबूती रहता नहीं इनका, क्योंकि पूरा भूसे से बना रहता है। वही रैक टाइप है, हे घ्यायला गेला आपल्याला। हां म्हणजे छोटे वाले, ते छोटे पण होते ना बॉक्स चे, ते घेऊ। हां घ्यायला गेल, ए नको घेऊ, तिकडनं घेऊ। सो हे के रैक था घर के साइड में, सीधा एक ऐसा रख सकते हो। दामिनी हे रॅक आता इथे आणले का? होते का बरं, मतलब असं साईज भी आहे। अलग डिझाईन आहे उनका। चल तिकडे काय, इथे नसल पुट टुगेदर युअर बेस्ट सोल्युशन। हे बघ तुला काय पाहिजे होतं, ते असंच पाहिजे ना जीडीवाला। यहाँ पे आप सब इंटीरियर डिझाईन प्लॅनिंग कर सकते, उनका कुछ प्लॅनिंग रहते हैं। कैबिनेट का एलईडी बताता था जो के अंदर, इनके अंदर रहता है वार्डरूम वगैरह के अंदर। हमने एक्चुअली ये लाइट लिया है बट उसका तभी ये एक्चुअली सेल पे रहता है, बैटरी पे, तो चार्जेबल रहता है। तो हम लोगों बैटरी वगैरह लिया था, दो बार आए थे पर दोनों बार उनका चार्जर अवेलेबल था ही नहीं। तो आज भी देखते हैं अगर हुआ तो ठीक। सर घेऊन ठेव ना, नंतर परत नको यायला, काढू शकतो आपण नंतर। सो अभी इनका पूरा लोवेस्ट प्राइस का है, लास्ट टाइम भी था ना ये लोवेस्ट प्राइस में। हम लोग को रखते हैं सर हर कॉर्नर में एक लोवेस्ट प्राइस का जो भी है। ए बक 250 देख ले, तेरे को लेना है क्या नहीं। जितना हो सके मैं उतना बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ है, कौन सा क्या क्या बताओ वो भी नहीं मुझे समझ रहा, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा होगा। फिर अब देख लेना यही वक्त चेयर 270, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसमें कलर भी नहीं है। ये ग्रीन कलर का है, तो किधर ये वही था ना स्टार्टिंग में देखा था वो। ये सब जगह मगा दिख रहा है पर हाँ था नहीं, कुछ खास नहीं है। या ये यहाँ पे पूरा डाइनिंग टेबल और चेयर सेक्शन था, ये वाला ब्लैक है, चेयर देखते कौन सा चेयर पसंद आता है। हाँ उसका देखना प्राइस क्या, 5500। वहाँ पे तो 5500। हाँ खाली ऊपर है, आई थिंक वो टर्किश ब्लू वाला ही अच्छा है।
तुम्हें भी आईकिया वाटते थी चेयर सेक्शन है और हम लोग चेयर सिलेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा सिलेक्ट करता है। बहुत कॉस्टली रहता है चेयर भी, इधर कौन सा चीज़ रहता है चीप, कोई कोई रहता है कॉस्टली रहता है। सर हम लोग ने जो ऑनलाइन देखा था वो भी हम लोग को मिल गया है, अभी देखते। ये पूरा चेयर सेक्शन है, ये हम लोग ने यहाँ पे भी है अच्छा अच्छा और भी ये देखा था हम लोग ने, ये वाला। हाँ यही है ना, अच्छा है, बैठ के देखने के अच्छा है। सो मम्मी लोग के लिए किचन देखो, आपण हे घेतलेत ना दामिनी, ते छोटे आहेत मला वाटतं जरा। सो ये पूरा किचन का ही है, ये वाला लेना है मुझे छोटा वाला, ये सिंपल है। थोड़ा अच्छा ये और एक है, डस्टबिन लेना है मोस्टली, हम लोग ये लेने वाले हैं। व्हाइट कलर का लेते ना, ग्रे व्हाइट है, प्रॉपर व्हाइट नहीं करना, मैट व्हाइट है तो का तो ब्लैक घेतो, घाण होईल व्हाइट फोटून दिसेल का। ये कलर है, ये कलर है, कौन सा ले रही, व्हाइट वाला ही अच्छा दिख रहा है। डस्टबिन वगैरह ही जो बेडरूम किया था ना प्लान, तो ऐसा किया था ये पेंट, बट वो लाइट पे ज़्यादा पेंट अच्छा दिख रहा, वरना इतना कुछ खास दिखता नहीं है। चल नको पप्पा ना सांगीन मैं, ये तो फुल हरा भरा है बाबा का। ये देखिए बेड, एक्चुअली ये कैसा है मालूम, ये लेने ही वाला था मैं, बट सिंपल का फैन रहता है ना ऊपर, तो फैन घूमने तो फिर प्रॉब्लम होता है, बेड के चारों साइड तक ठीक है, मेरा फ़ैन थोड़ा ये साइड है तो पूरा फ़ैन को लगेगा, उसकी वजह से हम लोग ने लिया नहीं। हम लोग ने ये ले लिया है नेट, बेड के साइड में पूरा आएगा, हम लोग उसको साइड में लगाएंगे, ऊपर फैन ऊपर है उसकी वजह से, बस
मैं कुछ कॉफ़ी नहीं पाया, डेढ़ का पैसे दे दिया कि यहाँ पे हैं सर। यहाँ पे सब वार्ड रूम्स है, ये कलर बहुत मस्त लग रहा है। हे बाप, हे बाप, हाँ तुला वार्ड रूम तुला पाहिजे, मला नको काय घेतलं नव्हते घेतले होते काय घेतलेले नव्हते घेतले हा दोन घेतले टाक हा घे काय दोन घे फक्त। यहाँ पे आपको डोर का कौन सा फिनिश चाहिए आपको चॉइस कर सकते हैं, सब पेंट है एक्चुअली। ऐसा है सब, वहाँ पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं पूरा पीसी पे कैसा क्या आपको चाहिए। ये सब फ्रेम्स हैं, ये टेबल लिया है उसके ऊपर ग्लास है प्रॉपर तो वो तो ना तो मोटा वाला लोग चेक कर रहे फिट हो रहा है क्या सब वही क्रॉस टेव आपन रहा है ये तुझा हो रहा है मतलब हाँ गए ना तो काट ना ये सब बेबीज लोग के लिए बेडरूम डिजाइन किया है पिंक लड़के लोग के लिए चार्जर आज भी अलग है ही नहीं, आज भी नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। सो ये अभी लाइट के सेक्शन में है, ये सब बटन्स पे लाइट है, ये कुछ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे पर फ्लोरलेस। ये जो लाइट है वो मैंने लिया है उसके लिए सेल पे है ना बैटरी पे, तो चार्जिंग के लिए उनका चार्जर ही नहीं है बट वो आठ उसका है, वो बहुत कॉस्टली है 1700-1800 का है, जो चार इसका चाहिए था वो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है उनके पास। लिविंग रूम के लिए देख रहे हम लोग, कुठला हा वाला मस्त है ना फर्स्ट वाला, हाँ मतला तो छान दिसतो, हा जास्त ब्राइट दिसतो, आपला जसा आहे तसाच मटेरियल आहे, हा ना बट ठीक आहे तो छान दिसतो बघ ना कितीचा आहे। मला तर हाच छान वाटला, ये हमारे रूम में है सेम। सो ये पूरा लाइट का ये देखो सेल वाला ये घ्यायची होती लाईट
को। सो अभी ये इनका प्रॉपर पूरा गोडाउन है, बहुत बड़ा है, ऐसा पूरा लास्ट आगे तक है। बहुत हाइटेड है पूरा ऊपर नंबर सर। अभी ये सब रैक एंड लोकेशन नंबर लेके वहाँ पे अपने को पूरा प्रॉपर सामान मिल जाएगा। ये हमारा इतना शॉपिंग हो गया। ट्रॉली ठेव ना इतने, तू कशा जाते, इतना पूरा शॉपिंग हो गया। बताता हूँ। सो अगर आपको कुछ भी चाहिए रहेगा यहाँ पे सर्च करने का, ऐप को सर्च, यहाँ पे सर्च करते हो पूरा रैक को वगैरह का नंबर दे देते प्रॉपरली। मेरे को आया था ये देखो, बहुत बड़ा है। ऊपर चेयर्स वगैरह लटका के रखे हैं और नीचे ये सब आपने असेंबल करना पड़ता है। प्रॉपर एक सेकेंड यहाँ होल्ड कर। सो ये चेयर है, ये लोकेशन है, होटल कौन सा लेने का लास्ट लास्ट। सो ये हम लोग चेयर ले रहे हैं, जागा कर ना इकडे खाली ठेव, खाली खाली कुठे खाली जा खाली, हाँ पकड़ एक। तो अभी फाइनली पूरा शॉपिंग हो गया है, अभी टोटल बिल समथिंग 17 to 18 thousand हुआ है। छोटा मोटा बोल के बहुत कुछ ले लिया, अभी देखते हैं DIY में जाके तो जो सामान है वो लेके निकलते फिर घर। हाँ ये पार्किंग, तो चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं अभी।